गरिमा। अरे संति दीदी आप आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ दीदी, ना कोई फोन ना कोई खबर। बस बहुत दिनों से तुम सबसे मिले नहीं थे तो सोचा सरप्राइज दे दूं और सबसे मिल भी लूं। और सुना सब बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है दीदी, आप सुनाओ सब ठीक है घर में? हाँ गरिमा। और बता सोनू कैसी है? जब से उसकी शादी हुई है एक बार भी उससे नहीं मिली हूँ। सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? हाँ दीदी सब ठीक है। देख अभी नई नई शादी हुई है, उसकी खोज खबर लेते रहना। तू माँ है तो उससे वो खुल के बता पाएगी। कहीं कोई तकलीफ नहीं हो उसे उसके ससुराल में। एक बार अच्छे से सेट हो जाए फिर तो सब कुछ ठीक ही हो जाना है। हाँ दीदी सब ठीक ही है। तू ऐसे क्यों उदास हो के बोली है? कोई बात है क्या? नहीं दीदी सब ठीक है, कोई बात नहीं है। देख गरिमा मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर तुझे कोई चिंता हो तो मुझसे तू बांट सकती है और तेरा दर्द भी कम हो जाएगा। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब तू बताना ही नहीं चाहती तो मैं भी क्या कह सकती हूँ। लीजिए मौसी पानी। हाँ बेटा। और स्वीटी कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? सब अच्छा चल रहा है मासी। और तेरी बड़ी बहन से बात करती है ना, सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? कुछ ठीक नहीं है मौसी। क्या? अरे कुछ नहीं जीजी, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है, सब ठीक ही है। वैसे भी स्वीटी ने सब संभाल लिया तेरी बड़ी बेटी की शादी के बाद घर गृहस्थी। हाँ दीदी सब काम कर लेती है स्वीटी, वो तो मैं ही नहीं करवाती हूँ। अभी पढ़ाई कर ले, अभी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर है तो पढ़ाई करती रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा काम करवाती नहीं हूँ अभी। सही कह रही है गरिमा, आज के ज़माने में एक बार लड़कों को नहीं पढ़ाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उनको अपने घर ही रहना है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन लड़कियों को तो दूसरे के घर जाना है, उनको पढ़ाना लिखाना अपने पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समाज में। खास तौर से जब दीदी जैसा ससुराल हो। क्या मतलब? स्वीटी तू जा अंदर पढ़ाई कर, बड़ों के बीच में जब देखो बोलती रहती है। चाहती हूँ। गरिमा सच सच बता क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? स्वीटी मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है लेकिन तू है कि उसे बोलने ही नहीं दे रही। अरे नहीं दीदी बच्ची है, वो कहाँ समझती है घर गृहस्थी की बातें, सब ठीक है। मम्मी। अरे फिर से? अरे मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई, तुझसे भी मिलना हो गया। मैं कह ही रही थी गरिमा से कि जब से तेरी शादी हुई है एक बार भी नहीं मिली हूँ। ये क्या तेरे चेहरे पे इतने निशान, क्या हो गया? कुछ नहीं मौसी, गिर गई थी फिसल के इसलिए चोट लग गई। झूठ बोल रही है मासी दीदी। क्या मतलब? मतलब ये कि दीदी कोई गिरी नहीं है, आपसे झूठ बोल रही है। दीदी बहुत तकलीफ में है मासी। गरिमा ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कुछ नहीं दीदी, ये स्वीटी की तो आदत है कुछ भी बोलती रहती है। नहीं मासी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। दीदी अपने ससुराल में खुश नहीं है मासी, बहुत बुरा हो रहा है दीदी के साथ। लेकिन मम्मी हमारी बात नहीं मानती और ना ही दीदी की बात मानती। दीदी जब भी मम्मी को बताती है मम्मी हमेशा दीदी को ही चुप करा देती है और बोलती है ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है, ससुराल में सबको सहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। स्वीटी तू चुप रह, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, समझी? बस यही देखा मासी, बस ऐसे ही बोल के मम्मी हमेशा हमको चुप करा देती है। माना कि मैं भी छोटी हूँ इतनी समझ नहीं है, पर मुझे अपनी दीदी का दुख तो दिखाई देता है ना, मम्मी को तो वो भी दिखाई नहीं देता। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है दीदी के साथ। गरिमा क्या बात है, अब तू मुझे सच सच बताएगी? मम्मी क्या बताएगी, मम्मी को तो हमेशा दीदी गलत लगती है। और ये जो दीदी झूठ बोल रही है ना कि गिरने के कारण उसको चोट लग गई है, कोई चोट नहीं लगी है, पक्का चीजा जी ने मारा होगा। क्या? हाँ मासी बहुत बार चीजा जी मारा है दीदी को और उसके बाद घर से भी भगा देते हैं। दीदी यहाँ आती है लेकिन यहाँ से मम्मी उनको वापस भेज देती है, बोलती है वो तेरा ससुराल है और तुझे वहीं रहना पड़ेगा। मेरी दीदी को बचा लो मासी, हमसे अपनी दीदी का ऐसा दुख नहीं देखा जाता। गरिमा तू पागल हो गई है क्या, तुझे अपनी बच्ची का दुख दिखाई नहीं देता क्या? अरे दीदी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई,
अरे ससुराल में किसको दुख नहीं होता, किसके ससुराल में लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। आप ही बताओ, मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में मेरी कौन सुनता था, फिर भी मैंने एडजस्टमेंट किया ना। आपकी भी शादी हुई थी, आपके ससुराल में भी कौन सुनता था, फिर भी आप रुकी ना। अरे आजकल के बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता, जरा सी बात हुई नहीं कि मुँह उठा के मायके आ गई। देख गरिमा, पहले का ज़माना कुछ और था और अब का ज़माना कुछ और है, तो अपनी बच्ची के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। देख माना कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें हमेशा अपना शोषण करते रहने देना चाहिए और जब नौबत हाथ उठाने तक की आ जाए। ऐसा कौन बर्दाश्त करता है। तू कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर भी तेरा मन नहीं पसीजता। इसमें क्या बुरा है दीदी, आपको तो पता है कि ये यहाँ भी कितनी लड़की थी, हमेशा अपने भाई बहनों से लड़ती रहती थी, मुझसे लड़ती रहती थी, तो वहाँ भी लड़ती होगी। अब वहाँ ससुराल में लड़ेगी, अगर जमाई जी ने दो चार झापड़ मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। बेटा तू मुझे बता बात क्या है और देख मुझे सच सच बताना। ओ मासी, मासी आए दिन मुझ पे हाथ उठाते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। हाँ बेटा, पर ये बता आखिर वो तुझ पे हाथ उठाते क्यों हैं, क्यों चिल्लाते हैं तुझ पे। मासी अब मैं क्या करूँ, मेरे जरूरत के सामान के लिए मैं पति से ही तो मांगूंगी ना, अगर मैं उनसे कभी दो पैसे भी मांगती हूँ तो मुझे बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुझे फ्री का खाना दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, लाइट पंखा पानी दे रहे हैं, और क्या चाहिए, तो कहीं की महारानी है क्या। और तो और मासी, अगर मेरी तबीयत भी खराब होती है तो मुझे एक रुपए की कोई दवाई लाकर नहीं देता और ना ही मुझे आराम करने देते, यही बोलते हैं महारानी है क्या कहीं की, जो आके आराम कर रही है यहाँ पे। अब आप ही बताओ मासी, मैं कैसे एडजस्ट करूँ उस घर में। अगर बोलती हूँ पैसे दे दो कुछ सामान लेना, बोलते तेरे बाप के यहाँ से लाई है क्या, तेरी माँ ने दिया है क्या, भिखारी है तेरे घर वाले सबके सब क्या। हाँ मासी, मैंने मम्मी को कई बार बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मम्मी एक बार बात तो कर लो, लेकिन मम्मी है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, मम्मी को तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। तेरी माँ से तो बात करना ही बेकार है, पागल हो गई है, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है, खुद के जन्मे बच्चे के साथ इतना गलत हो रहा है और चुपचाप बैठे तमाशा देख रही है। लेकिन तेरी मासी ऐसी नहीं है बेटा, तू रुक, तेरे ससुराल वालों से माफ़ी नहीं मंगवा देना तो मैं भी तेरी मौसी नहीं। अच्छा एक बात बता मुझे, तेरे ससुराल में और कोई कुछ नहीं बोलता, तेरे सास ससुर। नहीं मासी, उस घर में अकेले कमाने वाले मेरे पति ही है और उनके पैसों से ही सारा घर खर्च चलता है, इसलिए सब लोग उनसे दब के रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता चाहे वो कुछ भी करते रहें। अच्छा तो ये बात है, अभी तेरे ससुर को फ़ोन लगा के बताती हूँ, यहाँ जब शादी करने आए थे तब तो बड़ी लंबी लंबी ढींके मार रहे थे। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं। मैं आपके बहू की मौसी बोल रही हूँ। अच्छा जी, आप नमस्ते, कहिए कैसे फोन किया आपने। आपके अंदर तो शर्म नाम की चीज नहीं है, मुंह फाड़ के बोल रहे हैं कैसे फोन किया। अरे हमारी बच्ची के साथ इतना गलत हो रहा है आपके घर में और आप पूछ रहे हैं क्यों फोन किया। क्या मतलब बहन जी, मैं समझा नहीं। आपका बेटा मेरी बेटी पे हाथ उठाता है, आए दिन उससे गाली गलौज करता है और आप वहाँ रहते हैं, वहाँ होकर भी आप कुछ नहीं कर पाते। अरे कैसे बाप है आप जो अपने बेटे को नहीं सुधार सकते। क्या, मेरा बेटा मारता है बहू को, पर मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप उसी घर में रहते हैं या कहीं दूसरी दुनिया में। रहता तो उसी घर में हूँ, हाँ कई बार इनके कमरे से मुझे आवाजें आती हैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने की, मैं तो छोड़ देता हूँ कि चलो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, आपस में सुलह कर लेंगे, पर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि ये उस पे हाथ उठाता है बहू पे। तो ये समझ जी आपकी कमी है कि आपके घर में इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर आज शाम तक आप और आपका बेटा यहाँ आकर मेरी बेटी से माफ़ी मांग कर और उसे इज्जत के साथ ससुराल लेकर नहीं गए ना, तो मैं कल सुबह पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और फिर जेल में चक्की पीसना दो के दोनों। क्या, पुलिस कंप्लेन। जी हाँ, और दहेज प्रथा का ऐसा केस लगाऊंगी, ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर निकलोगे नहीं जेल से। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आज ही आता हूँ बहू को लेने और बेटे को भी लेके आऊंगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।
और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपकी बेटी के साथ इस घर में कभी कुछ गलत नहीं होगा। भरोसा रखिए मुझ पर। भरोसा रखने का मन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको आखिरी मौका जरूर दे रही हूँ। मैं शाम तक यही इंतजार कर रही हूँ आपका, वरना ठीक नहीं होगा। बहुत कर ली आपके बेटे ने मनमानी, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो उसको एक एक दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। आप याद रखिएगा, हमने अपने बेटे की शादी की है कि वो खुश रहे अपने परिवार में, इसलिए नहीं कि आपका बेटा दिन रात मेरी बेटी पे गाली गलौज कर और उस पे मारे। मैं उन माओं में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी बेटी को हमेशा एक ही चीज़ सिखाती हैं कि बेटा ससुराल में जो भी हो चुपचाप सह लेना, वो तेरा ससुराल है, वो तेरा घर है, इस गलतफहमी में तो आप लोग बिल्कुल मत रहना। मैं तो अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाऊंगी कि अगर तेरे साथ कोई गलत करे ना तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, ताकि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो दोबारा तेरे साथ गलत करने की। समझे आप? जी बहन जी, जी समझ गया। माफ कीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ बेटे को लेकर। प्लीज कोई कंप्लेन नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? मैं तो एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि गलत करना और गलत सहना दोनों ही बराबर पाप है, क्योंकि गलत सहने वाला अगर गलत सहना छोड़ दे तो आधे से ज्यादा क्राइम अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए अपने लिए आवाज उठाइए और सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।